मेलघाट क्षेत्र का मागास तथा अति दुर्गम क्षेत्र में समावेश है। मागास क्षेत्र में BRGF के तहत करोड़ों रुपए का निधि प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, पैसा कायदा 5% निधि भी आदिवासी बहुल क्षेत्र को उन्नति तथा विकास हेतु मिलती है। मात्र मेलघाट में बीते कुछ सालों से शासन की करोड़ों रुपए की सारी निधि बेकाम खर्च होने का नज़ारा मेलघाट के हर गांव में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण मोगरदा गांव में देखने को मिला है। यहां लाखों रुपए के खेल साहित्य ग्राम पंचायत द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल की खुली जगह पर लगाए गए हैं। यह खेल सामग्री लगाने का हेतु गाँव के बच्चों का मनोरंजन के साथ शारीरिक विकास करना है, लेकिन मोगरदा में संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यह खेल सामग्री के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, कूड़ा कचरा देखने को मिल रहा है। इस खेल सामग्री का इस्तेमाल आसपास के गांव के बच्चे भी करते दिखाई देते हैं, जिसमें सावरिया धोदरा के बच्चों का समावेश है। मेलघाट में हमें आए दिन गैर प्रकार होते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो गैर प्रकार होते हैं वो अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। हम इस वक्त यहाँ पे मोगरदा ग्राम पंचायत में मौजूद है। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को खेल साहित्य और शारीरिक शिक्षण एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके साहित्य लाए गए थे, लेकिन रख रखाव के अभाव से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे झाड़ियाँ हो गई है, और किसी भी समय यहाँ पे सांप बिच्छू ये बच्चों को एक बड़ा उनकी जान को खतरा निर्माण कर सकता है। यहाँ पे संबंधित विभाग, ग्राम सेवक तथा अन्य अधिकारियों का कोई भी नियंत्रण न होने के कारण यहाँ पे हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि वरिष्ठ प्रशासन इस पे कौन सी कार्रवाई करता है। मैं जुगल किशोर जायसवाल के साथ तस्मीन शेख, विदर्भ न्यूज, मेलघाट। इस झाड़ी के तथा कचरे में सांप बिच्छू होने की बात कुछ गाँव वासियों ने बताई। किसी भी समय यह एक बड़ी घटना का स्थान बन सकता है, ऐसा भी मोगरदा वासियों का कहना है। रोजाना गांव के बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन ग्राम सचिव तथा बाकी किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं होने की वजह से बच्चों की जान का खतरा बना हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है बेटा? विशाल। कौन से गांव में रहते? गांव का नाम? सावरिया। सावरिया। तू कौन से गांव का बेटा? सावरिया। सावरिया का। रोज आते क्या तुम यहाँ खेलने? नहीं। फिर छुट्टी के दिन आते। मोगरदा में देखा जाए तो यहाँ केवल कमीशन खोरी के चलते खेल सामग्री की खरीदी की गई थी, और अब मतलब निकल जाने पर लापरवाही करते हुए खेल सामग्री को झाड़ी तथा कचरे को समर्पित कर दिया गया है। अब इस गंभीर बात की दखल कौन और कब लेता है, इस ओर सभी का ध्यान केंद्रित है। मेलघाट से जुगल किशोर जायसवाल, शकील अहमद, तस्मीन शेख की यह रिपोर्ट।